बरखा रानी अब बदलेगी अपना खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बरखा रानी हर वक्त कुछ ना कुछ करती ही रहती है, उसका दिमाग चलता ही रहता है मगर उल्टी तरफ, उल्टी दिशा में। उसका दिमाग सिर्फ इस तरफ चलता है कि कैसे ये पूरा एम्पायर हमारा हो जाए। और जैसे जैसे सदस्य घर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बरखा रानी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। मालती देवी से उसको मुंह तोड़ जवाब मिला तो, मगर उसके बाद वो साइलेंट है और ऑब्जर्व कर रही है कि कैसे और क्या करना है, और अब उसको वो रास्ता मिल जाएगा। चलिए इस खेल के बारे में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बरखा अब ये कोशिश तो नहीं करती दिखाई दे रही कि अनुज और अनुपमा में दूरियां पैदा हो। अब वो अपने तरीके से चल रही है क्योंकि माहौल भी ऐसा ही है। मगर इसी माहौल के बीच में मालती देवी आ जाती है और बरखा मालती देवी को खदेड़ने की कोशिश करती है, उसको पराया फील कराने की कोशिश करती है, मगर उल्टा मालती देवी उसको फील करवा देती है। पाखी बरखा के संग है, अधिक तो है ही। तो यहां पे दोस्तों बरखा ने जो आज ऑब्जर्व किया, आज बरखा और मालती देवी एक ही भाषा बोल रही थी मगर अलग अलग तरीके से। दोनों ही अनुज की फिक्र कर रही थी, बरखा तो अपने लालच के लिए और मालती अपने पोजेसिवनेस के साथ साथ कि मेरा बेटा जो है बीमार पड़ जाएगा। वो चाहती है कि इनकी दूरियां कम हो, मगर उसको ये चाहिए कि अनुपमा हमेशा अनुज की सेवा में रहे, ये मालती देवी सोचती है। और बरखा ना सिर्फ यहां पे अनुज अनुपमा को ऑब्जर्व कर रही है बल्कि मालती देवी को भी। अब बरखा का टारगेट मालती देवी को बाहर निकालना है। रोमिल से तो वो अब हार चुकी है, अब मालती देवी को बाहर निकालना है, मगर कैसे, क्योंकि मालती देवी मां है अनुज की और मां को तो ऐसे निकाला नहीं जा सकता। तो अब दोस्तों जो मुझे समझ में आ रहा है बरखा रानी का खेल, कि वो अनुज को बहुत सारा जो है वो करेगी, सपोर्ट करेगी अपनी तरफ से, और मालती देवी के दिमाग में ये डालने की कोशिश करेगी कि अनुपमा अनुज की केयर नहीं करती है, जो कि मालती देवी को थोड़ा बहुत दिखेगा भी कि अनुज अनुपमा जिस तरह से अलग अलग सोए हैं और जिस तरह से अनुपमा अनुज के साथ बिहेव कर रही है, अनुज ने उसको स्पेस दिया हुआ है, उनकी आपस की केमिस्ट्री है और वो उसमें कंफर्टेबल है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक तरह सोचते हैं, तो उन दोनों को इसमें कोई समस्या नहीं है, उनको ये यकीन है कि हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। मगर जो बाहर से देख रहे हैं मालती देवी जैसे और बरखा जैसे, ये इस सिचुएशन में क्या करेंगे। बरखा को पता है कि अनुज अनुपमा अब दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बरखा ने तो इतनी कोशिशें की है, माया तक की जान चलेगी मगर अल्टीमेटली मान एक ही रहे। तो बरखा ये बात जानती है क्लियरली कि ये तो अलग नहीं होंगे, मगर इनको अलग करने की कोशिश अगर मालती देवी करेगी तो मालती देवी अलग हो सकती है। अब जब बरखा बार बार ये डायलॉग बोलेगी उनके सामने कि अनुज की तबीयत देखो, अनुज का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, पत्नी का क्या धर्म होता है, पत्नी को ये करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जो मालती देवी के अंदर ऑलरेडी है कि मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखती है अनुपमा, वो शाह हो जाती है। अब ये बातें बार बार वो मालती देवी को कहेगी, क्योंकि आज तो उसने अनुज को कहा, अनुज ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया बरखा को, मगर जब ये मालती देवी को बार बार रियलाइज करवाएगी इधर उधर बात करके या सुनाते हुए या डायरेक्ट ना बात करते हुए, तो मालती देवी के दिमाग में इस बात को और ज्यादा घर करने की जगह मिल जाएगी। और अब वो अनुपमा को डांटेगी या अनुपमा को सुनाएगी बातें जिसकी वजह से अनुज नाराज होगा। अगर अनुज नाराज होता है तो वो बरखा रानी सोचती है कि अपनी मां से नफरत फिर से उसके अंदर जाग जाएगी, फिर से वो मां को घर से बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह का खेल जो है बरखा रानी खेलने का सोच सकती है, क्योंकि इसमें ड्रामा उसको मिलेगा। ये मालती देवी को एक टूल की तरह यूज करेगी ताकि वो कोशिश करे अनुज अनुपमा में दूरियां लाने की, और फिर अनुज धक्के मार के मालती देवी को घर से बाहर निकाल दे। मगर अनुपमा है तो ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं ये खेल खेलती है या कुछ और खेलती है। मेरे हिसाब से यही खेला जो है अब बरखा रानी खेलेगी।
क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.